नहीं। अब देखो ये फिल्म हॉरर कॉमेडी है एंड जिस हिसाब का ट्रेलर है तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये फिल्म ऑडियंस के लिए मजाक है एंड इनके प्रोड्यूसर के लिए ये फिल्म एक हॉरर साबित होगी, बिकॉज ट्रेलर बेकार तो नहीं है लेकिन यार इतने से काम चलेगा भी नहीं, जरा भी नहीं चलेगा। एंड मैं अब भी बोलते रहो ये फिल्म का चलना बहुत मुश्किल है, अगर गाना रहे अच्छा है तो बचा लेगा, लेकिन सिर्फ गाना सुनना रहे तो घर पे इधर पे ही सुन लेंगे लोग पब्लिक, लेकिन क्या ही बोलूं मैं यार। आज सबसे पहले आप लोगों को एक न्यूज सुना दूं, अक्षय कुमार सुरारी पोत्रू का रिमेक कर रहे हैं एंड उन्होंने डाला भी एक छोटा सा वीडियो एंड आप लोग को बता दूं कि अक्षय कुमार के साथ है एक्ट्रेस राधिका मदान। मतलब ये किसने कास्टिंग की रहेगी, किसने कास्टिंग की रहेगी, इतना बड़ा मूर्ख, इतना बड़ा मूर्ख, उफ आई हैव नो वर्ड्स। अक्षय कुमार एंड राधिका मदन, वो उनकी बेटी जैसी लग रही है यार, अरे लेकिन चलो यार ये रिमेक तो हमें झेलना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं जब प्रोड्यूसर ही एक्टर सूर्या है, सूर्या ये लोग खुद चाहते हैं कि इस फिल्म का रिमेक हो, तो ऑडियंस क्या ही कर सकती है। एनीवेज मैंने देखी भूल भुलैया 2 का ट्रेलर स्टारिंग कार्तिक आर्यन एंड कियारा आडवाणी, तब्बू एंड राजपाल यादव। अब देखो मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, अब पार्ट 1 जो था भूल भुलैया वो मलयालम फिल्म की रिमेक थी, बट प्रियदर्शन ने वो जो मैजिक था ना वो बरकरार रखा था उस फिल्म में, हॉरर उस फिल्म में, कॉमेडी उस फिल्म के गाने, गांड-फाड़ फिल्म थी वो, एकदम गांड-फाड़ फिल्म थी यार, इतनी मेमोरेबल है हमारे लिए वो फिल्म क्योंकि बचपन हमारा जुड़ा उस फिल्म के साथ, मानो इतने बार हमने देखा रहेगा। एंड उसके गाने आमीजे तुम, अरे यार श्रेया घोषाल ने जिस हिसाब से वो गाना गाया था ना आज तक है मेरे प्लेलिस्ट में यार, देख गाना इज फैंटास्टिक। एनीवेज भूल भुलैया 2 को डायरेक्ट कर रहे हमारे अनीस बासमी, जो 20s की कॉमेडी को आज भी रूल करना चाहते हैं, आज भी दिखाना चाहते हैं कि देखो यार यही कॉमेडी फिल्म मैं बना सकता हूं, लेकिन आप देखो आपको नहीं हंसी आ रही, हंस 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 ऐसे करके हंसाएंगे, क्योंकि देखो यार मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं वो प्रियदर्शन थे उस टाइम पे, उन्होंने मैजिक क्रिएट किया था तो वो चल गया था, अब प्रियदर्शन वही मैजिक अभी के टाइम पे लेकर आए थे हंगामा 2 नहीं चली। एंड दूसरी बात अनीस बाजमी की अभी लेटेस्ट जितने भी फिल्में वो देख लो, पागलपंती, मुबारका एंड फिर उनकी कौन सी एक फिल्म आई थी वेलकम बैक, वो कॉमेडी था ही नहीं। एंड वो जो उनके पुराने फिल्मों में रहते थे ना वेलकम, नो एंट्री, ये सब जो फिल्में जो कॉमेडी थी, इनफैक्ट उनके कैरेक्टर्स जो रहते थे ना ऑडियंस इतना कनेक्ट करते थे कि यार मतलब जुड़ गई होती है मानो, एंड इतना हंसते थे वो सीन्स को देखकर, आज भी आप देखोगे खाना खाते हुए ना तो आपको मजा आ जाएगा। लेकिन वही सेम कॉमेडी अभी के टाइम पे चले, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये सब वेस्ट है भाई, सब वेस्ट है। एनीवेज भूल भुलैया 2 का ट्रेलर देखा एंड ट्रेलर शुरू होता है श्रेया घोषाल की आवाज में एंड खत्म होता है अरिजीत सिंह के आवाज में, बस समझ लो यही अच्छा चीज है बाकी कुछ। एनीवेज कार्तिक आर्यन ट्रेलर में एकदम मजबूत बेकार लग रहे हैं एंड जहां पर वो कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ कोशिश ही हो जा रही है एंड जहां पर वो एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं वो हॉरर में हो जा रहा है। एंड कार्तिक आर्यन के साथ साथ है कियारा आडवाणी एंड कियारा आडवाणी बिना मेकअप वाली टिकटॉकर, सॉरी मंजुलिका भी बनी है नजर आती है, बट आई थिंक ऑडियंस एक्सेप्ट कैसे करेगा यार, विद्या बालन ने वो रेंज में वो कमाल किया था, ये रेंज नहीं है यार, ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा मेरे को तो कुछ भी। एंड दूसरी बात प्रियदर्शन की फिल्मों को अगर आप नोटिस करोगे ना उनके जो साइड के कैरेक्टर्स होते हैं ना तो वो उनको वैल्यू देते, इसलिए ना उनकी फिल्मों में कॉमेडी आप देखोगे ना बहुत ही हाई क्लास में रहता था। एंड अनीस बाजमी एंड आजकल के जितने भी कॉमेडी फिल्म बनाने की जो ट्राई करते ना वो देख लो वो सिर्फ हीरो हीरोइन को ही वैल्यू देते, आप नोटिस करो यहां पर राजपाल यादव को कचरा कर दे, संजय मिश्रा को कचरा कर दे, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। एंड जिस हिसाब का ये ट्रेलर काटा है ये मतलब आप बोलोगे कि ये कॉमेडी है या कांग्रेस, बिकॉज मजा नहीं आ रहा है लेकिन क्या बोले यार, बहुत ही मिक्स वाइब आ रही, बहुत ही मिक्स। अब देखो दो चीज अच्छी होने वाली है, एक तो गाने एंड प्रोडक्शन वैल्यू आपको दिखते ही रहेगा कि अच्छे अच्छे सेट्स नजर आ रहे हैं एंड ये सारी चीजें एक लेवल पे नजर आ रही है, बाकी स्टोरी तो डायरेक्टर साहब भी नजर में ही लाते रहेंगे कि आएगी आएगी आएगी, तो देखते क्या होता है। अब देखो अक्षय कुमार की जो भूल भुलैया है उसको कोई नहीं भूल सकता एंड आज जो मैं भूल भुलैया 2 का ट्रेलर देखा तो उसके बाद यही बोल सकता हूँ कि ये भूल भुलैया को मतलब पब्लिक बोलेगी कि ठीक है भूल जा ऐसे बोल सकती पब्लिक, बिकॉज आई थिंक इट विल नॉट वर्क। एंड आप लोग का क्या कहना है इस पर आप लोग कमेंट करके बताइए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने से काम नहीं चलेगा यार, नहीं चलेगा। एंड पब्लिक के दिमाग में जो मेमोरी है ना अक्षय कुमार राजपाल यादव विद्या बालन का वो कैरेक्टर एंड उसके गाने को लेके वो रिप्लेस नहीं हो सकता यार। एनीवेज फिर भी चलो देखते हैं कि कार्तिक आर्यन लव आजकल 2 के बाद इसकी कितनी बूच मार सकते हैं एंड उम्मीद करता हूं कि फिल्म चले अच्छी भी निकले एंड उम्मीद करने से घंटा कुछ नहीं होता। एनीवेज मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल द कोपा टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल एंड सब्सक्राइब भी कर दो यार, कर दो सब्सक्राइब।